केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत ली। जिला प्रशासन ने इनके विरुद्ध 24 अप्रैल को जीडी कॉलेज में अमित शाह की रैली में वंदे मातरम को लेकर धार्मिक भावना उकसाने सहित अन्य धाराओं के तहत नगर थाना में मामला दर्ज कराया था। गिरिराज सिंह ने कहा है कि वह कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए समर्पण कर जमानत ली है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम बोलना अपराध नहीं है। कानून का सम्मान करता, न्यायालय का सम्मान करता, और इसीलिए जिस गलतफहमी के कारण मुझ पर ये धाराएं लगाई, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद वंदे मातरम भारत का मूल मंत्र है। मैंने लोगों को सजेस्ट किया कि वंदे मातरम बोलना चाहिए और ये देश के लिए अपराध नहीं है, और मैं कोई किसी धर्म को नहीं उसकाया। देशवासियों का कर्तव्य बनता है, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि को माता की तरह मानता है। गांव में किसी लड़के को चाहे जज हो जाए, वकील हो जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, अगर वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अपने माँ बाप को सम्मान करे कि ना करे, लेकिन सामाजिक संविधान में है कि जो बेटा नहीं करता, समाज कहता कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका। ATN Live।